अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। लास्ट वाला व्लॉग आप सबने देखा होगा, तो आपको पता है कि मेरे मियाँ वापस आ गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे बैक पे जाकर देख सकते हैं। तो ये वाला व्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था ना, मैंने वहीं से इसे कंटिन्यू किया है। अभी यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही थी, अपने हस्बैंड के निकालूंगी और अपने निकालूंगी और दोनों के कपड़े प्रेस करूँगी। अच्छा, मैंने कभी भी शादी से पहले मेल्स के कपड़े प्रेस नहीं किए थे। हमारे घर में हेल्पर थी जो मेरे अब्बू के कपड़े प्रेस करती थी, क्योंकि मेरा भाई तो है नहीं, सिर्फ एक घर में हमारे अब्बू ही थे, तो उसके कपड़े हेल्पर प्रेस कर देती थी। जैसे ही हेल्पर गई, उसके बाद मेरी बहन प्रेस करने लगी छोटी वाली। तो मैंने कभी प्रेस नहीं किए लड़कों के कपड़े ना, तो मैंने पहली दफ़ा जो है अपने शोहर के कपड़े शादी के बाद ना प्रेस करना स्टार्ट किया। मुझे थोड़ा टाइम लगा सीखने में, क्योंकि मर्दों के कपड़ों की क्रीज बनानी होती है। लड़कियों के तो कपड़े फटाफट इस्त्री हो जाते हैं, लेकिन मर्दों के कपड़ों की क्रीज बनानी होती है। लेकिन मैं कुछ टाइम में सीख ही गई थी, लेकिन मर्दों के कपड़े प्रेस करना बड़ा मुश्किल काम है। इतनी कोई मुश्किल होती है ना प्रेस करने में? औरतों के तो बड़ी आसानी से प्रेस हो जाते हैं, मर्दों का में तो बड़ा टाइम लगता है प्रेस करने में। बस यहाँ पे जो है वो मैंने कपड़े जो है वो प्रेस कर लिए थे। अच्छा, ये कुछ गिफ्ट्स थे जो मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, तो वो यहाँ पे मैं पैक कर रही थी। मैं थी और मेरी सबसे बड़ी वाली नंद की जो बेटी है ना वो थी, हम दोनों ने मिलकर पैक कर लिए थे सारे गिफ्ट्स। अच्छा, मैं दिखाऊंगी मैंने गिफ्ट्स किस तरह दिए थे। मैंने एक डिफरेंट सा आइडिया सोचा था और ये मैंने स्टिकर्स प्रिंट करवाए थे, मैंने वर्ल्ड पे लिख के फिर जो है दिए थे, तो उन्होंने स्टिकर्स ना करके दे दिए थे। और ये फाइव सेंसेस होती है ना हमारी, ये इसी को सोचते हुए जो है वो मैंने फाइव गिफ्ट्स बनाए थे। और आप चाहे तो किसी तरीके से भी पैकिंग कर सकते हैं। मकसद सिर्फ एक गिफ्ट का आइडिया देने का है कि अगर आपके हस्बैंड की बर्थडे है तो या कुछ भी है तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने किस लिए किया था वो तो खैर आप आगे देख लेंगे। अच्छा, जो फाइव सेंसेस गिफ्ट वाला आइडिया है ना, पता नहीं आई थिंक मैंने कितने टाइम से सोच रखा था और अब जाके मैंने ये किया है। मैंने कब से सोच रखा था, जब भी मेरे हस्बैंड होंगे ना उनके लिए करूँगी। और अब वैसे भी मेरी शादी को 6 मंथ हो गए हैं, तो मैंने इसलिए 6 गिफ्ट्स बनाए हैं ताकि मैं उन्हें ना 6 गिफ्ट दे सकूँ। और बस यहाँ पर मैं तैयार श्यार हो गई थी। पता नहीं मेरे ब्लॉग में आई थिंक आपने 55 डेज बाद मुझे इस तरीके से तैयार देखा, क्योंकि मेरे मियाँ वापस ही 55 डेज बाद आए हैं। वैसे तो 40 डेज बाद आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़े लेट आए थे, ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद आए हैं वो। अच्छा, मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। ये जो ड्रेस था ना वो मैंने जेलबरी से लिया था और आई थिंक ये अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस दिन मैंने लिया था ना उस वक्त भी उनका ये लास्ट आर्टिकल था। इसके सारे आर्टिकल सोल्ड हो गए थे। आजकल इन वाली फ्रॉक्स का ना बहुत ज़्यादा फैशन है, इतना फैशन है ना, आप जिस भी जगह जाएँ, आप कोई भी मॉल पर जाएँ, किसी भी कपड़े वाली शॉप पर जाएँ ना, आपको इस टाइप में फ्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा मिलती है, चाहे वो शिफॉन की हों या किसी भी स्टफ़ में हो ना, आजकल ये काफ़ी चल रही है और बड़ी अच्छी लगती है पहनी हुई। लेकिन इनका यह है कि अगर आप बीच पे जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो बस ले ली थी, मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन ये इन जगहों पे ना ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैंने मीडियम साइज़ लिया था, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत खुला था मुझे, क्योंकि फ्रॉक की ना इस तरह होती है कि ये खुली खुली सी होती हैं। आवर ना सफ़र से आए थे, इसलिए वो नींद में ना झूल रहे थे, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी थी, उन्होंने दोनों दिन नाइट ड्यूटी की थी। तो जिस बंदे की नाइट ड्यूटी होती है ना, उसको वैसे भी नींद में झूल रहा होता है। तो बस यहाँ पे मैं फ़िलहाल नाश्ता बनाई थी। नाश्ते में आज मैंने बनाए थे आलू वाले पराठे, क्योंकि आवर कह रहे थे कि मुझे ना आलू वाले पराठे बना दो, तो फिर मैंने आलू वाले पराठे बना लिए थे। और अब सब ने मुझे कहना है कि आप ही, आपके घर में अफराद तो कम है, फिर आप इतने ज़्यादा चीज़ें पराठे क्यों बना रही हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरी नंद भी आई हुई है। अगर लास्ट लोग किसी देखा हो तो मेरी जो सबसे तीसरी नंबर वाली नंद है वो कराची से आई है, तो वो भी है, तो उनका भी नाश्ता है। तो इसलिए जब घर में अफराद ज़्यादा हो ना, तो चीज़ें भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं चीज़ें इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती हैं। यार ऑब्वियसली कोई घर में खाने वाला होता होगा तो ही चीज़ें बनती हैं ना, अगर थोड़े से लोग हो तो थोड़ी चीज़ें बनती हैं। और तैयार श्यार होकर नाश्ता बनाना, नाश्ता के खैर कोई भी खाना बनाना ना बड़ा औखा काम है। और मेकअप भी किया हो तो सारा मेकअप है वो भी पिघल जाता है इंसान का। और कपड़ों का तो जो बेड़ा गर्क होता है वो तो अलग है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इतनी गर्मी है कि अगर इस तरीके से कोई कपड़े पहन के आप किचन में चले जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और सब बेड़ा गर्क हो जाता है। नाश्ता किया था, उसके बाद हमने फिर थोड़ा सा रेस्ट किया था, और फिर अब मैं शिकंजी बना रही थी आवर के लिए, क्योंकि आवर को आदत है शिकंजी पीने की। पानी वो पी लेते हैं, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक कोई काम करके आए ना, अगर वो बाहर से आए हैं, तो फिर उन्हें शिकंजी चाहिए होती है, जिसमें चीनी का भी कबाड़ा है और लीमू का भी कबाड़ा है। और यहाँ पे वो जो मेरी छोटी वाली नंद आई हुई थी ना कराची से, तो वो ये मेरे लिए चीज़ें लेकर आई थी। चूड़ियाँ वो लेकर आई थी, ये ऊद मेरे हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, और एक और गिफ्ट लेकर आई है। टू माय डियर सेट, स्पेलिंग सही नहीं है, डियर सेट। अब ये कहाँ लगा दिया तू यार, तेरे तो स्पेलिंग ही गलत लिखी है। अरे इस एक्साइटमेंट में आगे लगा।
मेरे मियाँ का ये क्या फातिमा बिनावर बिनावर किसके काम अभी तो आईडी कार्ड भी नहीं बना इसका ये इसका ये बचाओ काम आएगा किसी को देने के लिए भी नाम लिख देते कंजूस है तूने पहले बेस्ट विशेस वाला जाया कर दे वरना मेरा काम आ जाता तो ये है मैं इधर रख दूंगी ड्रेसिंग में थैंक यू जज़ाकअल्लाह भाई वाला ज्वेलरी बॉक्स जो है वो मेरी नंद लेकर आई थी उन्होंने मुझे दिया वैसे भी मुझे लेना था क्योंकि मुझे ज़रूरत थी तो चले अब वो ले आई तो इसे मैं ड्रेसिंग टेबल पे रख दूंगी वैसे भी इंसान के पास रिंग्स और इस टाइप की चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो ऐसे पड़ी रहे ना वो गुम जाती है मेरी तो ये हेयर पिंस रिंग इतनी घूमती है ना क्योंकि वो ऐसे ही हम रख देते गुम जाती है इस तरह की चीज़ों ना उसमें सेफ रहती हैं और ये चूड़ियाँ भी वो लेकर आई थी वो कराची से आती है ना तो कराची के जो लोग होते हैं ना चूड़ियाँ बड़ी पहनते वैसे तो चूड़ियों की बड़ी वैरायटी होती है कराची के अंदर ना तो वो जब भी आती है ना तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सी चूड़ियाँ लेकर आती है अच्छा जी ये फिर रात का टाइम था वैसे तो आप लोग टाइटल पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से अंदाज़ा है कि ये सब मैं क्यों कर रही थी एक्चुअली मेरी शादी को जो है वो 6 मंथ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से तो ये मैंने एक छोटा सा सरप्राइज़ था वो अपने हस्बैंड के लिए प्लान किया था जिसमें मेरी सबसे बड़ी वाली नंदन उनके दो बच्चे हैं जो कि हमारे साथ ही रहते हैं ये जो मेरी नंद की बेटी है ना इकान ये मेरी इतनी हेल्प करती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है मैंने कोई भी इस टाइप की चीज़ करनी हो कुछ भी हो ये मेरा फ़ौरन से सारे काम कर देती है और इस डेकोरेशन में भी मेरे साथ इसका सबसे ज़्यादा का हाथ था क्योंकि इसने और मैंने मिलकर किया था सब और फिर हम लोग केक ले आए थे जैसे मेरे मियाँ बाहर गए थे ना उनके जाने के बाद मैं फ़ौरन छुपके से केक ले आई थी क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ क्योंकि मेरा था मैं उन्हें सरप्राइज़ ही दूँगी तो मैंने हर चीज़ तब तक की थी जब वो यहाँ नहीं थे या वो बाहर थे इसलिए मैंने दोपहर से तैयारी स्टार्ट की थी और वो रात के 11 बज गए थे चीज़ें करते करते और यहाँ पे मैं खाना बना रही थी खाने में आज मैंने बनाए थे फ्राइड राइस वैसे तो मैंने बनाने थे लेकिन गाजर नहीं मिली आवर ने हर जगह चेक किया लेकिन उन्होंने कहीं भी गाजर नहीं मिली शायद किसी और बड़ी शॉप में मिल जाती लेकिन वो वहाँ पर गई नहीं तो उन्होंने कहा बस मुझे शिमला मिर्च मिली है तो तुम इसी से ही बना दो और फिर मैंने इसी से कुछ मिक्स एंड मैच करके बना दिए थे और ये बड़े अच्छे बने थे और सबको बड़े पसंद आए थे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे लगेंगे सबको लेकिन सबको बहुत अच्छे लगे थे मुझे दुख हो रहा था काश मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतने अच्छे बन जाएंगे क्योंकि मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च थी और मेरे समझ नहीं आया था मैं इसे कैसे कलर दूँ तो फिर मैंने इसमें कलर डाल के इसे कलरफुल सा कर दिया था और इसके साथ फ्राइड चिकन था चटनी थी तो बस यही रात का खाना था और उसके बाद यहाँ पर हम डेकोरेशन कर रहे थे अच्छा इसकी पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी तो मुझसे सब पूछे थे डेकोरेशन आपने किससे करवाई अरे किसी से नहीं करवाई थी हमने खुद की थी मैंने और इसने कान ने ना हम दोनों ने मिलकर ये की थी मेरे पास जितने भी घर के दुपट्टे थे ना वो दुपट्टों को मैंने बांध के उसे टांग के इस तरह से बना लिया था इस पे लाइट्स लगा दी थी और अपनी पिक्चर्स लगा दी थी बैलून वगैरह उस तरीके से डेकोरेशन हो गई थी बहुत हम तेरे बिन अब रहने
जिंदगी अब तुम ही हो। बस छोटे सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बस माशाल्लाह कह दीजिएगा और कोई अच्छी सी विश दे दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा, यही काफ़ी है। बाकी 6 मंथ हो गए मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी जो थी वो मेरी 3 नंदे आई हुई थी, वो थी मेरी फुप्पो थी, तो फिर मैंने उन्हें भी बुला लिया था, तो फिर सब ने मिलकर सेलिब्रेशन कर ली थी। ये वो 5 गिफ्ट्स थे जो मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, वो सारे एक एक करके खोलेंगे और आपको दिखा देंगे। बेसिकली 6 मंथ हो गए मेरी शादी को, तो मैं 6 गिफ्ट्स लेकर आई थी। 5 सेंसेस वाला आइडिया मैंने रखा था कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं ना, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने हर एक एक गिफ्ट जो है वो बनाया था और पैक किया था। सबसे पहले जो था वो परफ्यूम था, ये मैंने बोनंजा से लिया था, ये ब्लेस परफ्यूम का नाम था, बहुत अच्छा था, सबको बहुत अच्छा लगा था, मेरे मियाँ को बहुत अच्छा लगा था। अगर किसी को मेल को गिफ्ट करना, उन्हें लाइट खुशबू पसंद हो ना, तो ये बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी। सेकेंड जो सेंस थी वो थी टच की। टच में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने टच में शर्ट दी थी जो है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें दी थी जो चीज़ मेरे हस्बैंड के काम आ सकती है। बाकी आप दे तो कुछ भी सकते हैं, जो आपका दिल करे, आपकी पसंद हो, उस हिसाब से जो आप दे दें। अच्छा, थर्ड जो था वो मेरे पास ये साउंड था, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये एक तरह की वॉच है और क्लॉक है ये, उसमें ना आपको वो टिक टिक यानी साउंड की आवाज़ आती है। बाकी इसमें मेरी शादी की डेट और नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मैं साउंड में कोई ब्लूटूथ स्पीकर या एयर वो ब्लूटूथ या हैंड फ्री नहीं दे सकती थी, कि और ना ही कोई सॉन्ग से डेडिकेट कर सकती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना सॉन्ग सुनते हैं ना हैंड फ्री वगैरह यूज़ करते हैं। तो मैं जो साउंड में ठीक लगा ना, मैंने वो दिया था। ये इस टाइप की क्लॉक थी, ये देखें, ये जो इसमें ब्लू कलर की लाइट है और ये चलती है, इसमें से आवाज़ आती है, तो मैंने ये दी थी साउंड में। टेस्ट में वॉलेट है, पैसे डाल दूंगी अपनी मर्जी से। और टेस्ट में मैंने वॉलेट दिया था कि उसके अंदर पैसे रख दिए थे कि अपनी मर्जी से जिसने जो खाना हो वो खा ले, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चॉकलेट्स भी नहीं खाते या कुछ इस टाइप की चीज़ नहीं खाते। साइड में मैंने एक फ़ोटो फ्रेम दिया था और ये लास्ट वैसे ही था जो है आई लव यू विद ऑल ऑफ माई सेंसेज वाला। ये कैसे ही रैंडम था, क्योंकि 5 सेंसेज होती है, लेकिन मैंने 6 गिफ्ट्स बनाए थे 6 मंथ के लिए, तो इसमें भी एक परफ्यूम था। तो बस यही व्लॉग, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग वैसे बड़ा था, जो लोग कहते हैं बड़े व्लॉग नहीं बनाते, तो आज बड़ा व्लॉग आ गया। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।